Assalamu alaikum, hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So today the poem which we are going to discuss is Reproduction. This is written by Daud Kamal. Who is Daud Kamal? Daud Kamal is one of Pakistan's most accomplished poets who wrote most of his work in English language. He brought pride to our country by winning awards and medals, and he won 3 gold medals in international poetry competition. So Kamal has completely different style of writing poetry. He writes beautifully in fragments, and the main themes of his poems are rural and rustic, and he is best known for his representation of natural life. So this is all about Daud Kamal. Now look at the structure of the poem. It is a fragmented poem and it is written in free verse with no proper rhyming scheme and metrical pattern. So let's begin the analysis of the poem. Firstly, look at the title of the poem. And the title of the poem is Reproduction. Reproduction means to reproduce. So in this poem, the poet wants to give us a message that we shouldn't waste our time in useless activities, but should use it in creative production. So here the poet is talking about creative reproduction. So in this poem, the poet is reminiscing about his glorious past. तो इस नज़म में शायर अपने शानदार माजी की यादों में मुब्तला है, एंड ही एम्फसाइज़ेस दैट अ नेशन कैन नेवर सक्सीड इफ़ इट फॉरगेट्स इट्स ग्लोरियस पास्ट एंड फॉरगेट्स इट्स रूट। तो वो ये आइडिया यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं कि जब कोई कौम अपने शानदार माजी को भुला देती है तो वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। The poet begins the poem by observing the Mughal miniatures and Gandhara sculpture. तो poet जो है वो Mughal miniatures, मुगलों की छोटी-छोटी paintings और Gandhara के बड़े-बड़े मुजस्मों को observe करते हैं। वो कहते हैं कि that these miniatures were cut out last year and have been placed with the Gandhara sculptures in order to make a song. वो ये कहता है कि इन miniatures को last year calendar से cut किया गया है और इनको गंधारा स्कल्पचर्स के साथ रखा गया है ताकि सॉन्ग बनाए जा सकें। तो बेसिकली वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि दैट हाउ न्यू डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट हैव रिप्लेस्ड द ओल्ड वंस, दैट हाउ मुगल मिनिएचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय गंधारा स्कल्पचर। ही मीन्स टू से दैट पीपल हैव फॉरगॉटन देयर ग्लोरियस पास्ट एंड ट्रू वैल्यूज एंड दे आर जस्ट यूजिंग दीज पीसेस ऑफ हेरिटेज एज अ टूल। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग अपने शानदार माजी को भूल चुके हैं, ट्रू वैल्यूज़ को भूल चुके हैं, और अब वो इन पीसेस ऑफ हेरिटेज को, अपने सकाफत के पीसेस को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। दे आर जस्ट यूजिंग इट एज अ टूल फॉर मेकिंग अ सॉन्ग। स्टैंजा नंबर 2। आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज पीसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज मिनिएचर्स एंड स्कल्पचर, The poet goes back to the glorious past and remembers the adventure of Prince Siddhartha. तो सकाफ़ती विरसे के इन पीसेस को देखने के बाद, इन मिनिएचर्स को, इन स्कल्पचर्स को ऑब्जर्व करने के बाद, पोइट अपने ग्लोरियस पास्ट में, अपने शानदार माजी में दोबारा चले जाता है और प्रिंस सिद्धार्था के एडवेंचर को याद करता है। प्रिंस सिद्धार्था, जिसे बाद में बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, उसके एडवेंचर को याद करता है। अब उसके एडवेंचर क्या था? सो प्रिंस सिद्धार्था एट द एज ऑफ 29 वो फर्स्ट टाइम अपने घर से अपने रॉयल सर्वेंट और हेड चिड़ियाटर चन्ना के साथ बाहर निकला और उसने फोर साइट्स देखे। अब ये फोर साइट्स क्या थे? ये फोर साइट्स किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? तो फर्स्ट उन्होंने देखा ओल्ड मैन। ओल्ड मैन किसको सिंबलाइज करता है? एजिंग को सिंबलाइज करता है। सेकंड साइड देखी अ सिक पर्सन। सिक पर्सन किसको सिंबलाइज करता है? डिजीज़ को सिंबलाइज करता है। थर्ड अ कॉर्प्स बीइंग कैरीड टू द क्रीमेशन। क्रीमेशन मींस दैट एन एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड बॉडी। तो ये किसको सिंबलाइज करता है? डेथ को सिंबलाइज करता है। एंड फोर्थ अ मॉन्क इन मेडिटेशन बेनेथा। तो ये फोर साइड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसको सिंबलाइज कर रहे थे? ये ह्यूमन सफरिंग्स को सिंबलाइज कर रहे थे, ये इंसानी मसाइब की अलामत थे।
In the last stanza, the poet looks at the painting of almond blossom and a crow who is trying to get out of dense forest and is pushing himself out into the rain. So last stanza में poet almond blossom की painting को देखता है और दूसरी painting वो एक crow की painting को देखता है और crow की painting में क्या बना होता है कि एक crow एक dense forest से एक dark wood से अपने आप को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है और वो बाहर निकलना चाहता है, rain में निकलना चाहता है। जब पोइट ये सब देखता है, ये पेंटिंग्स देखता है, तो वो दोबारा अपने पास्ट में चले जाता है, वो दोबारा अपने माजी में चले जाता है और वो आर्ट को अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि इस आर्ट की वजह से वो दोबारा अपने पास से कनेक्ट हुआ है, वो दोबारा अपने ग्लोरियस पास से कनेक्ट हुआ है। और वो मज़ीद ये कहता है कि आर्ट ने अपने अंदर ग्लोरियस पास्ट को प्रिजर्व कर दिया है। और यहाँ पे वो इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट का थीम भी इंट्रोड्यूस करवाता है कि ऐसा करके इन पीसेस ऑफ आर्ट ने इमोर्टैलिटी को अटेन कर लिया है, इमोर्टैलिटी को अचीव कर लिया है। In the last, he points out that how he is sitting alone and is scratching the rust from the coin. The scratching of rust is significant and he has used it as a metaphor. By using it as a metaphor, the poet actually wants to remove the rust from the glorious past so that the memories of glorious past can be revived again. Last where poet कहता है कि किस तरह वो अकेला बैठा हुआ है और वो coin से रस्ट को स्क्रैच कर रहा है, वो किस तरह कॉइन से जंग को उतार रहा है, जंग को खुरेद रहा है। तो बेसिकली जंग को खुरेदना उसने एज अ मेटाफर यूज़ किया है। वो एक्चुअली में रस्ट नहीं उतार रहा कॉइन से, बल्कि वो गोल्डन मेमोरी से, गोल्डन पास्ट से, ग्लोरियस पास्ट की स्टोरी से, ग्लोरियस पास्ट की मेमोरी से रस्ट को स्क्रैच कर रहा है। क्यों स्क्रैच कर रहा है? ताकि वो दोबारा ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव कर सके, दोबारा उसको वापस लेके आए, उन यादों को वापस लेके आ सके, उन स्टोरीज़ को वापस लेके आ सके और दोबारा उसमें जी सके। तो यहीं पर पोएम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।